Zombie Apocalypse. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि आप अपने कैश को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कहां कहां से कैश को गेट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वे, तो गाइस जो फर्स्ट वे है वो आपको मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट वे में कहां से आपको कैश मिलेगी। आपको क्या करना है, ये जो आपको ऊपर दिख रही होगी ट्रॉफी आपकी आईडी के बराबर में, यहां पे आपको क्लिक करना है। यहां पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये ट्रॉफी रोड आपका ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कैश होते हैं। देखो यहाँ पर 10 कैश है और यहाँ पर आप देखोगे 8 कैश है। इसी तरह यहाँ अगर आप आगे पीछे करके देखोगे तो बहुत यहाँ पे आपको कैश देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले यहीं से ट्रॉफी विन करनी है। जिस टेबल की आपने रिंग नहीं ली उस टेबल को आपको प्ले करके ट्रॉफी विन करनी है। तो चलिए नेक्स्ट वे की तरफ चलते हैं। सेकेंड वे में मैं आपको बताऊँगा आपको कहाँ से कैश मिलेगा। ये सिंपली वही है गाइस, डेली फ्री कैश आप भी इसे गेट करते होंगे डेली। आपको बस ऊपर फ्री रिवार्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको फ्री कैश पर क्लिक करना है और एक आपको एडवर्टाइज देखने को मिलेगा 30 सेकंड का या 15 सेकंड का, उसे देखने के बाद आपको कैश मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एक कैश लेकर दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर एड स्किप कर दिया तो देख सकते हैं मुझे कैश मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट वे की तरफ चलते हैं। थर्ड वे में आपको थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। आपको अपनी जो भी लीग है, आपकी मेरी डायमंड लीग है, आपको अपनी लीग ओपन करनी है और वहाँ देखना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पर कितने कैश है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायमंड लीग पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पर 120, 60 और 30 कैश है। तो अगर हम इन नंबर पर आ जाए अपनी लीग में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर तो हमें काफ़ी कैश मिल जाएंगे। या अगर हम टॉप 10 में भी रहे तब भी हमें 15 कैश तो मिल ही जाएंगे। लेकिन गाइस मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप ज़्यादा हाई लीग पर ना आए, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो हाई लीग होगी वहाँ पर लोगों ने विनिंग भी अपनी बहुत हाई कर रखी होगी। तो एक बार आपको लीग देख लेनी है। चलिए मैं आपको एक बार लीग दिखा देता हूँ कि आपको किस लीग पर रहना सही रहेगा और आपको ज़्यादा कैश भी मिल सके और ज़्यादा आपको जो है वो विनिंग करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो चलिए देखते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पर रूबी लीग पर 100 कैश है, बाकी लीग पर भी काफ़ी कैश है। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप मैथियस और सफायर लीग पर रहे, ये बेस्ट है। यहाँ पर विनिंग भी ज़्यादा नहीं होगी और कैश भी काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस भी लीग पर आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड नंबर पर आ सकते हैं आपको उसी लीग पर रहना है। ज़्यादा हाई लीग पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ से भी कैश मिल जाएगी जिस लीग पर भी आप फर्स्ट सेकेंड या थर्ड नंबर पर आ सकते हैं, और यहाँ पर अच्छी अमाउंट में आपको कैश मिलेगी। चलिए मैं आपको कुछ लीग की विनिंग दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको कौन सी लीग में रहना बेस्ट रहेगा। तो ये सफायर लीग है, यहाँ पर देखो 50, 25 और 13 कैश है। आप यहाँ पर अगर आ जाए तो बहुत अच्छी अमाउंट में आपको कैश मिल जाएगी। एक और लीग मैं आपको दिखा देता हूँ, गोल्ड लीग। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर पर कितनी विनिंग है और कितने यहाँ पर कैश है। आप देख सकते हैं 10, 5 और 3 कैश है और विनिंग भी ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप अमेथियस लीग पर रहें, वो सबसे बेस्ट है। वहाँ पर 25 कैश आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वे बता देता हूँ, फोर्थ वे। यहाँ आपको कहाँ से कैश मिलेगी, यहाँ से भी गाइस आपको काफ़ी अमाउंट में कैश मिलेगा। आपको डेली लकी शॉट आपको हिट करना है और गोल्डन शॉट आपको प्ले करना है। अब आप ये बोलोगे कि गोल्डन शॉट मारना बहुत हार्ड है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत वीडियो बनाई हुई है, लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी, आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको गोल्डन शॉट बता देता हूँ कि आपको गोल्डन शॉट कहाँ से मिलेगा। आपको पूल पास पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको एक गोल्डन शॉट हर 2 वीक के अंदर मिलेगा। तो आपको इसी को प्ले करना है, इसको अच्छे से प्ले करना है गाइस, बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देना। हर 2 वीक में आपको ये मिल जाएगा और ये आप देख सकते हैं मुझे भी मिल गया, आपको भी मिल जाएगा, इसको आपको अच्छे से प्ले करना है। तो चलिए नेक्स्ट वे देखते हैं, नेक्स्ट वे में आपको कहाँ से कैश गेट करना है। नेक्स्ट वे में गाइस थोड़ा मुश्किल आपको हो सकता है कैश क्लेम करने में, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी जो है अमाउंट में कैश मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको
बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा क्यू को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली कलेक्शन पावर पर क्लिक करना है और आप जिस भी रैंक पर हो वहाँ से आप थोड़ा आगे करके देखेंगे तो आपको भी कैश देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैं 64 रैंक पर हूँ और मुझे थोड़ी आगे चलने के बाद 40 कैश मिलेगी। आप जिस भी रैंक पर हो वहाँ से थोड़ी आगे पीछे करके देखोगे तो आपको कैश मिल जाएगा, लेकिन इन्हें लेने के लिए गाइस आपको बहुत ज़्यादा क्यू अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट वे देखते हैं, 6 वे में आपको कहाँ से कैश मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। इसमें गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको जो डेली मिशन मिलते हैं उनको कंप्लीट करना है डेली, और उसके बाद आपको क्या करना है अपने पूल पास को ओपन कर लेना है। यहीं से आपको 6 वे में कैश मिलेंगे और यहाँ से आपको हर 2 वीक के अंदर 5 कैश मिलते हैं। जब भी नेक्स्ट सीज़न चलता है तो ये भी चेंज हो जाता है और हर सीज़न में आपको 5 कैश मिलेगी। देख सकते हैं 19 नंबर पर 2 कैश है और उससे आगे जाकर आपको कैश मिल जाएगी। शुक्रिया गाइस वीडियो को वॉच करने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।